एम्बेसडर्स उपस्थित भाई बहनों एवं सभी अतिथिगण, मैं विजय निकेतन की सभी एसीजेडगणों की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का यह सुंदर व पवित्र दिन हम सबों के लिए प्रसन्नता एवं धन्यवाद का दिन है, क्योंकि पिता ईश्वर की कृपा एवं पवित्र आत्मा की कृपा से आज हमारे बीच में सिस्टर अगस्टिना केटी अपने धर्म संगीत जीवन के 50 वर्ष पूरे करके स्वर्ग जयंती मना रही है। इस शुभ अवसर पर हम भी उसकी खुशी में शामिल होकर ईश्वर की महिमा व धन्यवाद करें। अभी हम संचित सिस्टर अगस्टिना की जीवनी सुनेंगे। सिस्टर अगस्टिना का जन्म कुमला जिले के करौंदा पारिश के माता बेदर टोली गांव में 1941 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम स्वर्गीय फ्रांसिस केटे और माता का नाम स्वर्गीय मार्था केटे था। परिवार में 4 भाई बहने हैं, उनमें से सिस्टर अगस्टिना का तीसरा नंबर। दोनों में सबसे बड़ी होने के कारण माता पिता को मदद करने का अवसर प्राप्त हुआ और गांव के विद्यालय में अपनी पढ़ाई प्रारंभ किया। मिडिल स्कूल के लिए अमरका ने हाई स्कूल की पढ़ाई सिलाई कॉन्वेंट नवाद्वाली से मैट्रिक की पढ़ाई समाप्त करने के बाद टीचर्स ट्रेनिंग के लिए स्लाइन कॉन्वेंट रांची आए। ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद पुनः महाराजा मिडिल स्कूल में एक सहायक शिक्षिका के रूप में 3 वर्षों तक कार्यरत रहे। इसी दरमियान सिस्टर के मन में कंप्यूटर ने प्रभु की सेवा करने की भावना जागृत की और पारिश की सलाह एवं सहायता से उसका संपर्क मदर मटेरिया SEJN से हुआ। 1970 ईस्वी में वह अभिषेक में प्रवेश किया और 1974 ईस्वी में प्रथम मना किया। सिस्टर का प्रथम कम्युनिटी पत्रा चालू रहा। वहाँ कम्युनिटी में रहकर सेंट जोसेफ मिडिल स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में 30 वर्षों तक कार्यरत रहे। इस लंबी अवधि में उसका संपर्क बहुत सारे बच्चों, उनके माता पिता व पास पड़ोस के परिवारों से हुआ और उन्होंने ईश्वरीय प्रेम का संदेश व बीज बोया, जिसका कारण बहुत से परिवारों ने प्रभु यीशु को जाना व बपतिस्मा प्राप्त किया। सन 1904 ईस्वी में उसका दूसरा ट्रांसफर विजयनिकेतन जियामी में हुआ और सरकारी स्कूल की इंचार्ज के रूप में कुछ वर्ष काम किए। शरीर अस्वस्थ होने के कारण इस कार्य में आगे नहीं बढ़ सके। अभी अपना जीवन प्रार्थना में व्यतीत करते हैं। आज इस पवित्र मिशन में हम ईश्वर के दिए गए सभी गुणों, वरदानों एवं इस धर्मसंगी जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि वे अपने सभी छाया में रहकर सिस्टर की अगुवाई हमेशा करते रहे और आशीष प्रदान
एससीजीएन धर्म संघ के द्वारा उसके 50 साल तक प्रभु की और प्रभु की प्रजा की सेवा करते रहे और धन्यवाद देते समय ही हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु उसको थोड़ी थोड़ी खुशी हो गई ना सिस्टर, थोड़ी थोड़ी खुशी हो गई ना, पूरी पूरी हो गई तो उसके अपने जितने जितने काम प्रभु उसके प्यार किए उसको स्वस्थ रखे करके और आगे भी प्रार्थना में और उसके बाद में धन्यवाद उसके आशीष के लिए हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करते हैं Yeah.
से
अधिकाधिक संयुक्त होकर मानव जाति के कल्याण के लगे रहे। जब प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु मेरे को यीशु कृष्ण द्वारा जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ एक मित्र होकर पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 से 12। वर्षों के सात सप्ताह अर्थात सात बार सात वर्ष तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम सातवें महीने के दसवें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। यह प्रभु की वाणी है।
के अनुसार आज को कोई तिरसु समाचार। अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 30 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हां पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का पवित्र समाचार है। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण और विशेष करके सिस्टर अगुस्तीना, हम इकट्ठे हुए हैं जयंती मनाने के लिए। और जयंती का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज जो हमें खुशी देती है, आनंद देती है और मुक्ति देती है। पहले पाठ में लेविटिकस ग्रंथ का है, जिसमें जिस पुस्तक में सभी कानून दिए जाते हैं इज़राइल के लिए, इसमें प्रभु ने ही, ईश्वर ने ही एक कानून दिया था कि 49 सालों के बाद एक साल, जो 50वां साल है, और ऐसा हो जावे कि ये जयंती है, सबों को छुटका देने वाला। आई तो सिर्फ शिष्य अगुस्तीना को छुटका मिल गया। तो सही जुबली 50 साल के बाद आती है। शिष्य लोग आप 25 साल के मनाते हो और इनवैलिड है। तो 50 साल के बाद सब धरती को, मनुष्यों को, सबों को ये आदेश दिया था, जयंती मनाओ, खुशी मना। और ये ही हम सिस्टर अगुस्तीना के साथ और पूरे एससीजीएम कॉन्ग्रीगेशन के साथ करते हैं, क्योंकि ये उसकी जुबली है। लेकिन एससीजीएम कॉन्ग्रीगेशन के बिना इसमें कोई जुबली है ही नहीं। जुबली इसलिए मनाते हैं क्योंकि धर्मसंघ में वृत्तारण किया, प्रभु की अपनी जिंदगी का अर्पण किया था भेंट के लिए। और वो ही विश्वासी रहते हुए आगे बढ़ाए। शायद पहले पहले सालों में क्या किया था वो शिष्य को भी याद नहीं हो, दूसरों को याद हो, तो सेवा दी, कौन गरीबों को मदद कर दी, दूसरों को याद हो कि उसको याद नहीं। यही हमारा सेवा का
सबसे बड़ा एक तरह हम बोल सकते हैं हमारे सेवक सेवक का प्रभु के सामने चेला। पता नहीं किसने चुना दूसरा बाप, सिस्टर ने चुना है और किसी ने चुना, वो भी बहुत ही अच्छा सुसमाचार वाला बाप। सिस्टर तकी हुई है, मंदी हुई है और प्रभु बुलाता है मेरे पास आ, जो तके हैं काम करते करते थके हैं, चार साल काम करते करते थके हैं, मेरे पास आओ, मैं आप लोगों को आराम दूं, आप लोग मेरे साथ देके खुश रहूंगा। और यही मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके धर्म संघी पुरोहितों और कोई भी अपनी जिंदगी प्रभु को भेंट करना चाहता, जो प्रभु की सेवा करता है उसको प्रभु अपने पास बुलाता है जब तके है। सिस्टर तो गुड्डे होके तक गए, हम कहीं कहीं जवानी में ही तक गए और सबों को प्रभु बुलाता है, आइए मेरे शरण। यही शरण हमारे सबसे अनुष्ठान हम सबों के लिए और जो भी उसकी सेवा में अभी लगे हैं उसके साथ रहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना कि प्रभु उसकी जिंदगी अभी भी अपने आशीष के साथ बरसाते रहे, प्रभु उसका साथ दे दे और जब भी तकी हुई समझती है प्रभु उसको अपने आराम में बुला के उसको शांत। Thank you.
प्रधानता पूर्वक यहाँ की कलिसिया का मार्गदर्शन कर सके, ईश्वर उन्हें बल दे, हम निवेदन करें। Thank you.
मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु इस भेंट के साथ साथ हमारी बहन अगुस्तीना का आत्मसमर्पण भी स्वीकार करें, जिसकी पुष्टि के आज कुल कर रही है। कृपा पूर्वक हमारी इस बहन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरोध जो युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आपको उनके साथ रहे।
Thank you.
देखिए ईश्वर का मेहनत, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर देखे हैं, धन्य वे जो मेरे के हो मैं बुलाए गए हे प्रभु मैं इसके बिना ही हूँ, इनके शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
क्रिस्टीना की ओर से और पूरे विजय निकेतन कॉन्वेंट की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सर्वप्रथम हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सिस्टर अगस्टीना के धर्म समाज जीवन में असीम कृपा और अनेकों वरदानों से विभूषित किया है। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं बिशप थियोडोर मस्करेनस को। स्वामी, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपकी प्रेरणापूर्ण वचनों, प्रार्थनाओं और आशीषों के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी पुरोहितों का आज के इस यूखरिस्तीय समारोह में आपकी प्रार्थनाओं के लिए और अन्य समय भी आपकी मदद के लिए, विशेषकर आध्यात्मिक जरूरतों में आपका सहयोग सराहनीय है। हम आपके आभारी हैं। आसपास से आई हुई हमारी धर्म बहने आप हमारी खुशी में शरीक हुए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सिस्टर अगस्टीना के परिवार वाले जो दूर से हमारे बीच आए हैं, हम हृदय से आप सबों को धन्यवाद देते हैं। आबादगंज और नमामि की ऐसी जैन धर्मगुरुओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार हैं। इस बार भी निशा बलिदान में और कोयल में आपकी सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का जो इस हॉल को साफ करने और सजाने के लिए परिश्रम किए हैं। माइक सेटिंग पर और फोटोग्राफी के लिए हमारे स्टाफ से संजय सर और संजीव सर को बहुत बहुत शुक्रिया। जो प्रीति भोज की तैयारी किए हैं उन सभी भाई बहनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कुछ सूचनाएं हैं। मिसा के बाद प्रीति भोज का आयोजन किया गया है, आप सभी आमंत्रित हैं। लेकिन उसके पहले यानी मिसा समाप्त होने के तुरंत बाद केक कटिंग का छोटा सा प्रोग्राम यहीं पर है। मेरी आपसे आग्रह है कि आप अपनी जगह पर बैठे। पचास साल बहुत कम है सिस्टर, पचास साल मैं विदेश जाने वाला था। तो पिछले बार आपका सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो नया डेट लगाया, तो मैं सिस्टर को बोला मैं विदेश जाने का ही पोस्टपोन कर दूँ। कल सुबह जा रहा हूँ, आज आपका ये मनाने से बहुत खुश हो गई। और हमारे यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपना आशीष देते रहे और प्रभु में कि आप शांति दूध के प्रभु में ही शांति आपको पूछा है। ये हमारी प्रार्थना प्रार्थना के लिए और हमारी प्रार्थनाएं एस जी संजय के लिए है कि प्रभु अपने रास्ते को चलने के, अपने सेवा करने के और नए नए गुणाह हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है, इसे तूने हमें स्वर्ग जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसे कृपा कर कि हमारी ये बहन स्वर्गिक भोजन तथा प्रेम से नफरत पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे चलती रह जाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा।
यीशु से प्रदान की गई विशेष आशीष के लिए जाए। बस प्रभु आप और हर आशीष के बाद उत्साह से आनंद लिए सभी शुभ अभिलाषाओं का स्रोत ईश्वर आपको आपका मन और हृदय सुदृढ़ करे ताकि आप अपनी प्रतिज्ञाएं निष्ठा पूरी करते रहे। आमीन। वह आप लोगों को ऐसी कृपा दे कि आप इस पवित्र जीवन के मार्ग पर के आनंद से परिपूर्ण होकर सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करें। ईश्वर के प्रेम से आपका आप एक ऐसा परिवार बन जाए जो कृष्ण के नाम पर एकत्रित और उनके प्रेम का जीता जागता प्रमाण है। सीता और पुत्र आत्मा आप सबको तो यहाँ इस पवित्र धर्म विधि में उपस्थित है आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग